यूएई ने रचा इतिहास, न्यूजीलैंड को चखाई करारी हार। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड और यूएई के बीच में चल रही थी 3 मैचों की T20I सीरीज, इसका दूसरा मुकाबला खेला गया, जिस मुकाबले में यूएई ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है 7 विकेटों से, तो रच दिया है इतिहास। आपको बता दें कि यूएई जो टीम है वो है एसोसिएट टीम, तो वही जो न्यूजीलैंड है वो टेस्ट नेशन टीम है। आज तक टेस्ट नेशन टीम्स एसोसिएट टीम से हारी है, लेकिन न्यूजीलैंड एक ऐसी ही टीम थी अकेली जो आज तक कभी एसोसिएट टीम से नहीं हारी थी, लेकिन अब पहली बार न्यूजीलैंड भी एक एसोसिएट टीम से हार चुकी है। तो न्यूजीलैंड को हराकर यूएई ने रच दिया है इतिहास। तो न्यूजीलैंड को साथ ही हराकर बता दें दुबई में पहली T20I जीत हासिल कर ली है यूएई ने अपने नाम। अगर मुकाबले की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करी थी न्यूजीलैंड ने और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हुई यूएई की तरफ से कि उन्होंने न्यूजीलैंड को 142 रनों पर ही सिर्फ रोक दिया, तो 16वें ओवर में ही ये टारगेट चेज भी कर लिया। अगर मुकाबले की बात करें तो पहले बल्लेबाजी जब करने आई न्यूजीलैंड तो 8 विकेटें खोकर 142 रन इन्होंने बनाए थे। इनकी टीम से जो हाईएस्ट रन बनाए थे वो मार्क चैपमैन ने बनाए थे 46 बॉलों में 63 रन, तो जेम्स नीशम ने बनाए थे 17 गेंदों में 21 रन। दूसरी तरफ बात करें अगर यूएई की गेंदबाजी की तो इनकी तरफ से अयान अफजल खान ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेटें चटकाई थी, तो मोहम्मद जावेदुल्ला ने 4 ओवर में 16 रन सिर्फ दिए थे और 2 विकेटें चटकाई थी। जब यूएई ये टारगेट चेस करने के लिए आए तो सिर्फ 3 विकेटें इन्होंने खोई और 144 रन बना दिए, यानी 16वें ओवर की 4थी गेंद पर ये टारगेट इन्होंने चेस कर लिया। इनकी टीम से जो हाईएस्ट रन बनाए वो मोहम्मद वसीम ने बनाए 29 गेंदों में 55 रन, तो आसिफ खान ने 29 पे 48 नॉट आउट रन। न्यूजीलैंड से गेंदबाजी में मिचेल सैंडर्स सिर्फ 1 ही विकेट चटका पाए 26 रन देकर 3 ओवरों में, तो काइल जेम्सन ने 3 ओवर में 30 रन दिए थे और 1 विकेट चटका पाए थे। और इसी के साथ अगर बात करें तो यहाँ पे यूएई ने अपने नाम एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है न्यूजीलैंड के खिलाफ, कि एक एसोसिएट टीम ने यहाँ पे टेस्ट नेशन टीम को, न्यूजीलैंड जैसी टीम जो काफ़ी ही स्ट्रांग मानी जाती है, उस टीम को T20I में यहाँ पे हरा दिया और अब इसके साथ इसी सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। ये बहुत ही बड़ी जीत दर्ज करी यूएई ने, ये ऐतिहासिक जीत, ये काफ़ी कमाल की बात है यूएई टीम के लिए। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, इस जीत में क्या कहना है, मुझे फटफट से कमेंट जरूर बताइए। आप देखें तूफान स्पोर्ट और जो को लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।